इस वीडियो में आप सीखेंगे आंखों की पुतलियों को सिर्फ कैसे कलर करें। आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसे आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं और आंखों के अंदर एंड सिर्फ जो पुतली होती है उसे हमें कलर करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटो को कंट्रोल प्लस दबाकर जूम कर लेंगे। उसके बाद हमें जो इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है उसे हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट बटन दबाकर आंखों की पुतलियों को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। शिफ्ट बटन कीबोर्ड से दबाए रहेंगे जिससे एक से अधिक सेलेक्ट होता है। इसे भी हम क्या करेंगे, ऊपरी भाग से ड्रॉ करते हुए निचले भाग को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। यानी शिफ्ट से क्या होता है कि सिलेक्टिंग बढ़ता है। और इमेज मेनू में जाकर यानी कर्व यानी कंट्रोल प्लस एम बटन दबाएंगे तो कर्व जो कलर होता है आरजीबी कलर, रेड कलर, ब्लू कलर और स्यान कलर, इसे हम लोग कम और डाउन करके यानी ऊपर और नीचे डाउन करके हम लोग क्या करेंगे, कलर निर्धारित किया जाता है। इसे हम अपने आवश्यकता अनुसार कलर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से सेट कर लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। और कंट्रोल डी बटन दबाने से ही क्या होगा कि सेलेक्टिंग जो आप किए रहेंगे वो हट जाएगा। तो अपनी इच्छा अनुसार हमें कलर क्या करना है, सेट करके कंट्रोल डी बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। उसके बाद जो देख रहे हैं आपकी आँखों के ऊपर भी यानी पलकों पे भी कलर आ चुका है, तो हमें क्या करना है, इरेज टूल से क्या करना है, उसे मिटाना है। इरेज टूल पर क्लिक करके सबसे ऊपर देखें आप, ब्रश टूल एक हाईलाइट कर रहा है, ब्रश मैंने कमांड है, उसे हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे यानी हल्के भाग में होता है उसे फुहारा कलर कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे इरेज टूल को हम क्या करेंगे, क्लिक करके आँखों के जो बाहरी साइड है उसे हम लोग इरेज कर लेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे आँखों को भी क्या करेंगे राइट साइड लेकर, और उसे भी हम क्या करेंगे, आउटसाइड क्या करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले आँखों किए हैं उसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, आँखों के आउटलाइन भाग को हम लोग मिटा देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज टूल का जो ब्रश ऊपर है जो 10% आप देख पा रहे हैं वहाँ पे ब्रश जो है फुहारे टाइप का होना चाहिए, तभी वो आपका शेडिंग मारते हुए आएगा। और उसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यस बटन दबाकर इसे हम लोग डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। और इसे हम क्या करेंगे, जो पहले वाला भाग था आँख और ये जो हम लोग उसका आँखों का जो कलर किए हैं दोनों को हम लोग एक पेज पर रखना है, जिससे आपको दर्शाना है कि क्या अंतर मिला है। तो यहाँ पे एक पेज लिया गया है यानी फाइल मेनू में न्यू कमांड से और मूव टूल से हम क्या करेंगे, उस फोटो को ड्रॉ करेंगे, एक नए पेज पर ले लेना है और उसी प्रकार जो आप बनाए हैं उसको भी आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, जिससे आपको अंतर मिल जाएगा कि हम क्या इसमें हम लोग अंतर किए हैं। और इसे हम लोग क्राफ्ट टूल से क्राफ्ट कर लेंगे और इसे कंट्रोल शिफ्ट यस बटन दबाकर यानी एक स्थान पे यानी डेस्कटॉप पे आप जो हम लोग अंतर है इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि देखिए। और यहाँ पे आप प्रिंट पे भी देख पा रहे हैं कि आँखों जैसे आँख पहले भूरे कलर का था और यहाँ पे आँख हरे कलर का कलर कर दिया गया है, सिर्फ कलर आँखों को ही किया गया है।